खतियान आधारित नियोजन नीति बनाओ। आप बताओ, अगर आप कानून के जानकार हो, खतियान के आधार पर कभी भी नियोजन नीति नहीं बन सकता। बहुत जल्द निकट भविष्य, मतलब ये नहीं कि 2025, महीने भर के अंदर लगभग 20,000 पदों की नियुक्ति निकलने जा रही है। और मैं ये चुनौती देता हूं, मैंने 5,00,000 लोगों को नौकरी नहीं रोजगार देने की बात कही। अध्यक्ष महोदय, इससे पहले हम उस तरफ बैठा करते थे, आज हम इस तरफ बैठे हैं। पहले हम बॉलिंग करते थे, ये बैटिंग करते थे, अब हम बैटिंग कर रहे हैं, ये बॉलिंग कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी के लोग बोले कि 32 का खतियान लागू करो, बोलिए, ठीक है, भोजपुरी मही हटा दो, बोलिए, अंगिका हटा दो, खराब होगा, चिंता मत कीजिए, बट ऐसा शॉट लगेगा कि आप लोग बाउंड्री के बाहर नजर आएंगे। अभी तो आप सभी का मेरा झारखंड जोहार, खतियानी जोहार। तो आज की इस वीडियो में हम बात कर रहे हैं कि हमारे झारखंड में जो प्रोटेस्ट चल रहा है कि खतियान उनसे 32 लागू करो, बाहरी भाषाओं का बहिष्कार करो, तो इसका एक वीडियो आया है कि हमारे राज्य झारखंड के जो मुख्यमंत्री हैं और जेएमएम पार्टी सीर और बीजेपी के बीच में जो वहाँ पे विधानसभा सत्र चल रहा है, वहाँ पे किस तरह से डिबेट हुआ, वो वीडियो आप लोगों को हम बाद में दिखाएंगे। उससे पहले आप लोगों को बता देना चाहते हैं, हम लोग तो किसी पार्टी के समर्थन नहीं है, ना ही बीजेपी के हैं, ना ही कांग्रेस के, ना ही जेएमएम के, ना ही आसू के। जयराम भैया भी एक वीडियो में बता दिए थे कि कोई भी ऐसा क्रांति के लेकर आना चाहते हैं हमारे इस युवा संगठन में, हमारे इस छात्र संघ में, मतलब ये तो हम लोग स्टूडेंट का ही था ना, क्रांतिकारी था, स्टूडेंट का क्रांति था। जो कोई भी अगर आना चाहते, कोई भी बिना पॉलिटिक्स के, अगर कोई पॉलिटिक्स में नहीं है तो उन लोग आइए और आप लोगों का स्वागत है, और आप लोग क्रांतिकारी में भाग लीजिए, इस क्रांति में भाग लीजिए। पर अगर कोई किसी पॉलिटिक्स से है तो आप लोगों का यहाँ पे कोई जगह नहीं बोला गया था। तो यही बात आप लोगों को बताना चाहते हैं कि हम लोग किसी पार्टी से नहीं, और हम भी किसी पार्टी के पक्ष नहीं लेंगे, ना ही बीजेपी के लेंगे, ना ही कांग्रेस के लेंगे, ना ही जेएमएम के लेंगे। तो इसका देखिए जो कि जो मुद्दा या कहाँ पे जो विधानसभा सत्र चल रहा है वहाँ पर बताया गया, तो वहाँ पे देखिए जो हम लोग का जो मुख्यमंत्री जी हैं कौन, हेमंत सोरेन, उनका क्या कहना है आप लोगों को वीडियो को पहले, वीडियो के बाद आप लोगों को बता देंगे, पहले वीडियो को देख लीजिएगा। उससे पहले आप लोगों को बता देना चाहते हैं कि जो ये जो मुद्दा जो हम लोगों को बोल रहे हैं कि खतियान 1932 लागू करें, इसको क्या बोला गया कि ये कि पॉलिटिक्स के तहत, यानी आप लोग जो बीजेपी के भड़काव में जो हम छात्र लोग में आ रहे हैं, कहाँ पे आ रहे हैं, हम लोग सड़क पे आ रहे हैं। तो वास्तविक में ये है नहीं, क्योंकि हम लोग सब युवा, हम लोग जानते हैं, हम लोग समझते हैं, इतना ज्ञान है, इतना पढ़ा लिखा हम लोग भी कर चुके हैं, ये चीज़ हम लोग देख रहे हैं, वास्तविकता क्या है। देखिए यहाँ तक भी इसमें बोला गया था इस वीडियो में कि जो सरकारी जो नीति सब आएगा, सरकार जो नियोजन नीति बनेगा, वो क्या होगा बोला गया था उस वीडियो में, जो वीडियो में बोला गया कि खतियान के आधार पर नहीं बनेगा। तो क्यों नहीं बनेगी, बनना चाहिए, क्योंकि देखिए क्या बोला कि इसमें बाहरी का यहाँ पे जो भी रोजगार आएगा, ये रोजगार उसमें ये भी बोला गया कि यहाँ पे अधिकतर झारखंडी यहाँ पे क्या है शामिल है। तो यहाँ पे देखिए ये जो जेएमएम का सरकार बोल रही है ना, तो इससे पहले तो बीजेपी भी था, उससे पहले फिर कौन था, जेएमएम था, तो जेएमएम बीजेपी तो यहाँ पे लगा था, तो दोनों का तो सरकार देखिए हम लोग, तो दोनों का कुछ नहीं, दोनों में तो कोई फर्क नहीं पड़ा, दोनों का 21 साल से यहाँ पे राज किया, तो फिर भी तो हम लोग झारखंड के हित में तो कुछ काम नहीं किया। तो हम लोग इस वीडियो को देखने के बाद हम फिर मिलते हैं वीडियो के बाद, वीडियो को पहले देख लीजिए फिर समझते हैं। अध्यक्ष महोदय, बातें तो बहुत है अध्यक्ष महोदय, रोजगार को लेकर अध्यक्ष महोदय, हम आपको बताना चाहेंगे अध्यक्ष महोदय, सोनू जी ने पहले भी कहा कि अगर हम इनके पद चिन्हों पर चले होते तो अध्यक्ष महोदय आज इस राज्य में एक भी झारखंडियों को नौकरी नहीं मिलता। अध्यक्ष महोदय, अभी भी जैसे ट्रेन को ब्रेक लगाते लगाते 1,000 किलोमीटर निकल जाता है, वही हालत अभी भी है। अध्यक्ष महोदय, कई चीजें पाइपलाइन में ऐसी घुसी थी, आज के दिन में भी कई जगहों पर यूपी बिहार के बड़े पैमाने में बच्चे लोग यहां पर आकर कार्यरत हो चुके हैं, लेकिन जो निकल गया सो निकल गया। लेकिन आज प्रयास है हर संभव कि हम इस राज्य के नौजवानों को
रोजगार दें। अब इसके लिए इन लोगों ने अपने बैकडोर से अपने चहेते लोगों को, अपने समर्थक लोगों को सड़कों पर उतार दिया। खतियान आधारित नियोजन नीति बनाओ। आप बताओ, अगर आप कानून के जानकार हो, खतियान के आधार पर कभी भी नियोजन नीति नहीं बन सकता। और कभी भी खतियान के आधार पर नियोजन नीति बनेगा, अध्यक्ष महोदय, वो कोर्ट तुरंत उसको खत्म कर देगा। अध्यक्ष महोदय, अध्यक्ष महोदय बैठिए। और ये कैसे बनेगा अध्यक्ष महोदय, ये हमें पता है अध्यक्ष महोदय, और ये हमें पता है कि क्या करना है, और इनको पता है अध्यक्ष महोदय, स्थानीय नीति हमारे एजेंडे में भी है, नियोजन नीति हमारे एजेंडे में भी है। अध्यक्ष महोदय, इससे पहले हम उस तरफ बैठा करते थे, आज हम इस तरफ बैठे हैं। पहले हम बॉलिंग करते थे, ये बैटिंग करते थे, अब हम बैटिंग कर रहे हैं, ये बॉलिंग कर रहे हैं। और हम किस बॉल में चौका मारेंगे, किस बॉल में छक्का मारेंगे, किस बॉल में दौड़ के रन लेंगे, ये सरकार का प्रश्न है। और ये उस्काना चाहते हैं, ये राज को दिग्भ्रमित करके यहाँ के नौजवानों को, यहाँ के भाजपा समर्थित लोगों को सड़कों पे उतार करके सरकार को उतावला करना चाहते हैं, ताकि सरकार कोई ऐसे गलत कदम उठा ले कि कल को सरकार कटघरे पे आके खड़ी हो। लगता है रणधीर जी सबसे संवेदनशील माननीय सदस्य हैं। और आज बढ़िया अध्यक्ष महोदय आपने देखा होगा, पूर्व में अध्यक्ष महोदय जितने भी एग्जाम हुए सब कोर्ट का बलि चढ़ाया देते हैं। आज 11-12, 11-13 जिला भी कोर्ट के हवाले है अध्यक्ष महोदय। और इन सब को अब इनके पापों को हम ही को सुधारना है। गंदगी जो हुई है सफाई करने का जिम्मा मिला है तो सफाई भी करेंगे। अध्यक्ष महोदय, बड़े बड़े चिल्लाने से झारखंड के लोग काफी संवेदनशील है, इनको हमें पता है जल जंगल जमीन का महत्व, ऐसा बात नहीं है हमें नहीं पता। भारतीय जनता पार्टी के लोग बोले कि 32 खतियान लागू करो, बोलिए ठीक है ठीक है लागू होगा। चलिए बोलने के लिए ही तो बोल रहा है, आप लोग बोलिए तो ठीक चलिए माननीय सदस्य, चलिए आप लोग बोलिए तो चलिए चलिए आप लोग का सहमति है, ठीक है चलिए बैठिए बैठिए रणधीर जी। अध्यक्ष महोदय चलिए बोलिए। अध्यक्ष महोदय, जैसे ये लोग आजकल पानी में पत्थर फेंक कर देखते हैं कि कितना गहराई है, इनके नस नस से भी हम लोग वाकिफ हैं, देखते हैं कैसे उछलते हैं। आप उछलवा दिए लोगों को। अच्छा ये भी बोल दिए, भोजपुरी मगी हटा दो, भोजपुरी मगी हटा दो, बोलिए अंगिका हटा दो। अध्यक्ष महोदय देखिए, यहाँ साहब होगा, चिंता मत कीजिए, ऐसा शॉट लगेगा कि आप लोग बाउंड्री के बाहर नजर आएंगे,
अभी तो इसे अध्यक्ष महोदय स्थानीय नीति 85 का इन्हीं लोगों ने घोषित किया है। यही लोग ये जो बैठे हैं ना, इन्हीं लोगों ने 85 का स्थानीय नीति बनाया है अध्यक्ष महोदय। और दो साल भी नहीं ठीक से बीत रहे अध्यक्ष महोदय, 32 पर आ गए। और बेचारे हमारे भानु जी बोलते हैं, सुदीप जी कहां से घूम के आ गया, खतियान की बात करते हैं। अभी ये तो 2 साल में 32 पर आ गए, आप चिंता मत कीजिए। अभी आप लोग को और भी कुछ बोलना पड़ेगा, अब झारखंड के मुताबिक ही आपको चलना पड़ेगा, झारखंडियों के मुताबिक चलना पड़ेगा। अध्यक्ष महोदय इसलिए हम लोगों ने सभी नियुक्ति नियमावली को इस तरीके से बनाया जहां पर अधिक से अधिक यहाँ के नौजवानों को प्राथमिकता मिले। आपको 2898 पदों के लिए विज्ञापन भी निकाला जा चुका है अध्यक्ष महोदय। निकट भविष्य मतलब ये नहीं कि 2025, महीने भर के अंदर लगभग 20,000 पदों की नियुक्ति निकलने जा रही है। अध्यक्ष महोदय, अच्छा सुन लिए, डिक्लेरेशन यहाँ किया महोदय, जितना भी आपने नियुक्तियों का डिक्लेरेशन यहाँ किया, देखिए अध्यक्ष के माध्यम से सवा 3 करोड़ जनता लोगों ने जो सवाल पूछा है, देखिए बावरे जी, आपने जो सवाल पूछा है, सवाल का जवाब भी मेरे पास है। हम अगर अपनी बातों को रखें या आपके सवाल का जवाब दे, पहले ये बताइए, फिर ये क्वेश्चन आंसर की बात हो जाएगी। अध्यक्ष महोदय और कुछ भ्रम इनको है, इनको लगता है कि इनके जो आलाकमान बोलते हैं, इसके अलावा दूसरा कुछ इनको सुनाई नहीं देता। अध्यक्ष महोदय, जो ये 5 लाख का नौकरी की बात करते हैं, और मैं ये चुनौती देता हूं, मैंने 5 लाख लोगों को नौकरी नहीं रोजगार देने की बात कही। अध्यक्ष महोदय और अध्यक्ष महोदय, रोजगार बैठे के माध्यम से भी होता है, रोजगार स्वरोजगार भी होता है। अध्यक्ष महोदय, इन बौद्धिक लोगों को दूसरे पर आरोप थोपना बहुत आसानी से आता है। हम आपके प्रधानमंत्री नहीं है। वीडियो देख के आप लोगों को थोड़ा बहुत समझ में आ गया किस तरह से हमारे यहाँ के जो नेता लोगों ने बात को बदलते हैं। आप लोगों को जो लास्ट वाला जो वर्ड बोले थे कि हम 5 लाख नौकरी नहीं रोजगार देंगे, और रोजगार को भी बता दें कि कैसा रोजगार, तो यही बात अगर हम लोग हेमंत सरकार से हम बोलना चाहते हैं कि यही बात अगर वोट के टाइम अगर हम लोग समझा देते कि रोजगार में मतलब नौकरी नहीं होता है, तो वो चीज होने से तो हम लोग समझ जाते हैं कि रोजगार मतलब क्या नहीं होता है, नौकरी नहीं होता। कितना अच्छा से बोले कि 5 लाख बेरोजगार को रोजगार देंगे, और रोजगार नहीं देंगे तो रोजगार भत्ता देंगे। रोजगार भत्ता कितने को मिला है बताए, नहीं मिला है। देखिए तो वोट से पहले आप लोग क्यों नहीं समझा दें, वोट के बाद आप लोगों को समझा रहे हैं कि रोजगार का मतलब ये होता है, रोजगार का मतलब अंडा बेचना, मुर्गी पालन, इसे भी रोजगार का मतलब होता है। ये चीज़ तो हम लोग नहीं बताए हम लोग, तो ये चीज़ हम सभी जनताओं को समझना होगा, हम सभी युवाओं को समझना होगा, झारखंड के युवाओं को किस तरह से सरकार हम लोग को चू बनाते हैं, पूरा नहीं बोल रहे हैं, हम लोग किस तरह से हम लोगों को घोचू बनाते हैं, बोलने का मतलब कि किस तरह से हम लोग वोट लेने का प्रयास करते हैं। अभी भी देखिए प्रयास कर रहे हैं कि ये सरकार
पिछले वाला सरकार को थोपरा बात हो, पिछले वाला सरकार यही वाला सरकार को थोपरा। हम लोग को कुछ नहीं चाहिए, हम लोग बाहरी भाषा का जो बहिष्कार करना करेंगे और उनसे 32 का खतियान जो लागू करेंगे हम लोग करेंगे। हम लोग का और कुछ नहीं चाहिए, हम लोग 3-4 चीज़ स्थानीय नीति और नियमित नीति किसके आधार पर खतियान के आधार पर होना चाहिए। बस ऐसी चीज़ हम लोग मांगे, हम लोग किसी पार्टी से कोई मतलब नहीं, हम लोग का जो मांगे वो पूरा होना चाहिए। और हम आशा करते हैं सभी युवा लोग इस मांगों को पूरा करने के लिए जरूर आगे बढ़ेंगे, जरूर कोशिश करेंगे, इस क्रांति में भाग लेंगे। जब तक ये पूरा नहीं होता हम लोग ये जो प्रोटेस्ट है इसको नहीं छोड़ेंगे। ठीक, तो आई होप आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा, इसी तरह से इंटरेस्टिंग वीडियो और इसी तरह अगर ज्ञान वाला वीडियो अगर चाहिए तो हमारे यूट्यूब चैनल MK4Gyan को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन ऑन कीजिए ताकि आप लोगों को इस तरह से वीडियो मिलते रहे। और फिर से मिलते हैं अगला वीडियो में, तब तक ले जय हिंद, जय झारखंड, जय जवाहर।